रामपुर के शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में फातिमा हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर की ओर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। सीधा बात करने के लिए जो आयोजक हैं अली हमारे साथ मौजूद है। हम देख रहे हैं कि आज क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है, इसका शुरुआत समाज सेवी मामून शाह द्वारा किया गया है। क्या मकसद है कराने का और फातिमा हेल्थ केयर सेंटर की ओर से क्या कहना चाहिए? मकसद पहले तो यही है, पहले तो मैं मामून शाह भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आए और आने के बाद हमारे टूर्नामेंट में के लिए इज्जत बढ़ाई। और टूर्नामेंट कराने का मकसद यह है कि रामपुर में क्रिकेट अब थोड़ी ख़त्म सी हो गई थी, जो ग्रुप क्रिकेट थी वो थोड़ी ख़त्म होने लगी थी, तो ये टूर्नामेंट जो है ग्रुप टीमों का हो रहा है, क्लब टीमों का। क्लब टीम जो है वो क्लब टीम का ग्रुप क्लब क्रिकेट जिंदा करने के लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। कितने दिन का ये मैच देखने को मिलेंगे और फाइनल में क्या रहेगा? ये 8 दिन के मैच रहेंगे, फाइनल हमारा 7 तारीख को होगा। क्या क्या नाम दिए टीम? टीम के नाम है एक सेवा, वो रजा क्लब, पाइनियर क्लब, एकता क्लब, पुलिस क्लब और सनराइजर्स क्लब, टाइटन क्लब और फिटनेस क्लब। फाइनल कब खेला जाएगा? फाइनल 7 तारीख को खेला जाएगा, 7 नवम्बर। चलिए, अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं और चाहते हैं कि क्रिकेट के दिलचस्प मैच देखने को मिले तो शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में आ जाइए। हमारे साथ समाज सेवी मामून शाह मौजूद हैं। मामून भाई, हम देखते हैं कि जब जब क्रिकेट के कोई भी टूर्नामेंट होते हैं, अभी रामपुर प्रीमियर लीग सीजन 3 खत्म हुआ, उसकी शुभारंभ भी आपने ही किया था, अब IPL भी जल्द होने जा रहा है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं फातिमा हेल्थ केयर क्लिनिक के जो हमारे इंचार्ज हैं डॉक्टर हैदर साहब, उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से रामपुर में क्रिकेट के अलावा ये हेल्थ कैंप लगाते हैं, यहाँ खो के कैंप लगाते हैं, जिस तरह के भी कैंप लगाते हैं हेल्थ के, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये रामपुर में लोगों के लिए, ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये मुबारकबाद है। दूसरी बात, ये जो आज टूर्नामेंट चल रहा है फातिमा हेल्थ केयर क्लिनिक के जानिब से, T20 टूर्नामेंट है, नई शुरुआत हुई है। इससे पहले भी IPL हुआ, RPL उबादा साहब ने कराया और उनकी टीम ने कराया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने टूर्नामेंट होंगे, जितना खेल लोग खेलेंगे या ग्राउंड पे आएंगे, उतना ही उन खिलाड़ियों में अच्छी बात होगी और निखर के आएंगे, उनके हुनर निखर के आएंगे। और हम भी ये चाहते हैं रामपुर में अच्छे खिलाड़ी हों और वो खेलें और रामपुर से हट के उत्तर प्रदेश में या देश में नाम पैदा करें, रामपुर का नाम पैदा करें। और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से रामपुर में अब क्रिकेट की शुरुआत इन लोगों ने की है और पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए मैं इन तमाम आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से ये बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। क्रिकेट खेलना तो है ही, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट कराना बहुत मेहनत का काम है। ये पंडित जी खड़े हैं, हमारे शर्मा जी खड़े हैं, और ये अली साहब खड़े हैं, इनकी पूरी टीम है, और डॉक्टर हैदर साहब हैं और उबादा जी हैं। इनको ऐसे ये टूर्नामेंट कराकर ये लोगों को चाहते हैं कि ऐसे लोगों को रामपुर से निकाला जाए और उन लोगों को देश में खेलने का मौका दिया जाए, तो इसके लिए मैं इनको पूरी टीम को उनको मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट करा रहे हैं 8 टीमों का T20, तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से शुरुआत हुई है उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा। बस ग्राउंड में थोड़ी कमियाँ हैं, ग्राउंड की कमी वो मैं कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड की कमी जो है उसे पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब से बात की जाएगी कि कम से कम रामपुर के ग्राउंड को अच्छे कराएं, जिससे ये बच्चे खेल सकें और अपना हुनर दिखा सकें। चलिए, डॉक्टर हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया जी यहाँ इन्वाइट करने के लिए। एक्चुअली रामपुर में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्तर नहीं रहा है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हॉकी वगैरह काफ़ी ज़्यादा खेली जाती थी, काफ़ी नाम था। अब क्रिकेट में हमारा नाम हल्के हल्के उठना चाहिए, जिस तरीके से मुरादाबाद का बड़े बड़े शहरों का नाम है UP में, कानपुर का, इलाहाबाद का, ऐसे रामपुर का भी नाम होना चाहिए। और जिस तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मेरी यही दुआ है सब स्पोर्ट्स अच्छे से निपट जाए और सारे प्लेयर्स अपना अच्छे से नाम करें। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बेटर है और ग्राउंड की कमी है। एक डालमिया ग्राउंड है यहाँ पे जो मेरे बचपन के टाइम का था, अगर वो मिल जाए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मैं निःशुल्क अकेडमी चलाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और 4 लड़के UP खेल रहे हैं अंडर 19, 2 खेल रहे हैं स्टेट, तो मैं यही चाहता हूँ कि जीते जी कोई तस्वीर बना जाऊँ तो अच्छा है।
मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ, दिल्ली से रणजी ट्रॉफी टीम में रहा, और यही आपका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये सारे पत्रकार यहाँ मदद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि T20 की तरफ से शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में फातिमा हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर की ओर से T20 क्रिकेट का आयोजन किया गया। अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो जरूर आइए और मैच देखिए, दिलचस्प मैच देखने को मिलेंगे। रामपुर से ईशान खान।